हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस हिस्ट्री की वीडियो रूलिंग द कंट्री साइड के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आर बोनस क्वेश्चन इज सी, आंध्र प्रदेश। सो गाइज, कलमकारी प्रिंट वॉज क्रिएटेड बाय वर्कर्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। रेस्ट ब्लॉक्स ऑफ लैंड विद फ्लैट सर्फेसिस आर कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए माउंटेन्स, बी प्लेन्स, सी प्लेट्यूज एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, प्लेट्यूज। सो गाइस, रेस्ट ब्लॉक्स ऑफ लैंड विद फ्लैट सर्फेसिस आर कॉल्ड प्लेट्यूज। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक एग्रीकल्चर, बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड्स, माइनिंग एक्सेट्रा कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए लैंड यूज, बी लैंड डिग्रेडेशन, सी लैंडस्लाइड एंड डी लैंड फिलिंग। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए लैंड यूज। सो गाइज, द यूजिंग ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेज लाइक एग्रीकल्चर, बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स, माइनिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड लैंड यूज। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तंजानिया इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, एंड द ऑप्शन आर ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप एंड डी अफ्रीका। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी अफ्रीका। सो गाइस, तंजानिया इज सिचुएटेड इन अफ्रीका। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए लैंडस्लाइड, बी वेदरिंग, सी डिफॉरेस्टेशन एंड डी सॉइल इरोजन। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी वेदरिंग। सो गाइस, द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड वेदरिंग। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ दीज इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, एंड द ऑप्शन आर ए कम्युनिटी लैंड, बी इंडिविजुअल बिल्डिंग, सी फैक्ट्रीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए कम्युनिटी लैंड। सो गाइस, कम्युनिटी लैंड इज द एग्जांपल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर।
Which of these is not a measure of conservation of soil? And the options are A. Terrace farming, B. Shelter belts, C. Drip irrigation and D. Intercropping. तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ड्रिप इरिगेशन। So guys, drip irrigation is not a measure of conservation of soil because it is a measure of conservation of water. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7th आपकी स्क्रीन पर। How much percentage of fresh water is available and fit for human use? And the options are A 5%, B 3%, C 8% and D 1%. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 1%। सो गाइस ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8th आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल एंड द ऑप्शंस आर ए सबसॉइल, बी पेरेंट रॉक, सी टॉप सॉइल एंड डी वेदर्ड रॉक। So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text me in the comment section and your time starts now. Time up दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is B, parent rock. So guys, parent rock is the lower most layer of the soil. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9th आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ दीज इज द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ सॉइल एंड द ऑप्शंस आर ए डिफॉरेस्टेशन, बी ओवरग्रेजिंग, सी लैंडस्लाइड्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइस ऑल दीज ऑप्शंस आर द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ सॉइल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th आपकी स्क्रीन पर। नेम द प्रोसेस इन विच बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द ऑप्शंस आर ए मल्चिंग, बी रॉक डैम, सी शेल्टर बेल्ट्स एंड डी इंटरक्रॉपिंग। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए मल्चिंग। So guys, mulching is the process in which bare ground between plants is covered with a layer of organic matter. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने next question की ओर. And here is the question number 11th on your screen. A dripping tap is responsible for wasting how much water in 1 year? And the options are A 1000 liter, B 1500 liter, C 1200 liters, and D 1600 liter. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 1200 लीटर। So guys, a dripping tap is responsible for wasting 1200 liter water in 1 year. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने next question की ओर. And here is the question number 12th on your screen. Name the zone of Earth's atmosphere where life is exists. And the options are A. Lithosphere, B. Biosphere, C. Troposphere and D. Hydrosphere.
तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, बायोस्फीयर। सो गाइस, बायोस्फीयर इज अ जोन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। नेम द एनिमल्स विच आर प्रोटेक्टेड अंडर CITES, एंड द ऑप्शंस आर ए डॉल्फिन्स, बी मंकी, सी स्नेक्स एंड डी रैट्स। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए डॉल्फिन्स। सो गाइस, डॉल्फिन्स आर प्रोटेक्टेड अंडर CITES। Guys, CITES is an organization which protected the animals, and the full form of CITES is Convention on International Trade in Endangered Species. चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, and here is the question number 14 on your screen. Name the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth, and the options are A gravels, B minerals, C metals and D soil. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी सॉइल। सो गाइस, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सॉइल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन विच स्टेट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंपलसरी, एंड द ऑप्शंस आर ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी असम एंड डी राजस्थान। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।